स्वाद और जीभ का संबंध तो सभी को पता है, लेकिन स्वाद और मस्तिष्क का भी संबंध होता है। ये कम ही लोग जानते हैं कि वास्तव में जब हम कुछ खाने का निर्णय लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ कुछ हो रहा होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि कभी आप MRI मशीन की जांच के अंदर हों और आपको कोई स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्कशेक दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि आपके मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम यानी न्यूरॉन्स का एक बंडल सक्रिय हो जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है जिसका काम मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। ये न्यूरॉन के बंडल ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स में रहते हैं। ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी आंखों के ठीक ऊपर मस्तिष्क के सामने का एक हिस्सा है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स में काफी सक्रिय होता है। तो बात हो रही थी चॉकलेट मिल्कशेक की। वास्तव में कोई खाने या पीने की चीज जितनी स्वादिष्ट, अच्छी खुशबू वाली और क्रीमी होगी, आपके न्यूरॉन्स उतने ही खुश होंगे। वसा और शर्करा से न्यूरॉन्स की सक्रियता और ज्यादा बढ़ती है, और यदि इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कहना ही क्या। अब केक को ही ले ले, कितना यम्मी लगता है। आखिर इसमें वसा और शर्करा दोनों प्रचुर मात्रा में जो है। लेकिन आपके न्यूरॉन्स केवल मिल्कशेक या केक को सामने देखकर ही नहीं, बल्कि तब भी सक्रिय होते हैं जब आप सोच रहे होते हैं कि वाकई क्या खाया जाए। फ्रिज में ब्रोकली है, अंडा है, मिठाई भी है, बस यहाँ न्यूरॉन्स की बत्ती जल जाती है और हमारे चुनने के काम को आसान कर देती है। और जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं तो पेट भरने के साथ धीरे धीरे न्यूरॉन्स की सक्रियता भी कम होती जाती है। तो क्या खाने के मामले में हम मस्तिष्क के ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स की मांगों के गुलाम हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी तरह से ऐसा नहीं है। एक बार फिर से MRI के प्रयोग को देखते हैं। इस बार सूप के दो डिब्बे लिए गए। एक डिब्बे पर स्वादिष्ट और क्रीमी सूप लिखा है और दूसरे पर उबली हुई सब्जियों का सूप लिखा है, लेकिन यहाँ एक चालाकी की गई। वास्तव में दोनों डिब्बों में एक ही सूप है, लेकिन नाम का अंतर है, और यही एक अंतर पूरा अनुभव बदलने के लिए काफी है। ऐसा भी देखा गया है कि समान गुणवत्ता की शराब को महंगा बताते ही न्यूरॉन की गतिविधियां बढ़ गई और शराब ज्यादा टेस्टी लगने लगी। तो खाद्य पदार्थों के बारे में पहले से जानकारी होने से फर्क पड़ता है। इस काम को अंजाम देता है मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा, और वो है एमिगडाला। आप खाने के लिए बाहर कहीं जाएंगे, इसमें भी एमिगडाला की भूमिका होती है। पिछले अनुभवों के आधार पर एमिगडाला सिमुलेशन न्यूरॉन विकसित करता है जो निर्णय लेने में भूमिका निभाते हैं। हमारे जेनेटिक मटेरियल भी ये निर्धारित करते हैं कि हम मस्तिष्क के रिवॉर्ड न्यूरॉन्स पर कितने आश्रित रहेंगे। तो ये तो था स्वाद का विज्ञान, लेकिन विज्ञान ये भी स्वीकार करता है कि पारिवारिक और सामाजिक कारणों की हमारे खाने के विकल्पों में एक जटिल और अहम भूमिका होती है। तभी तो आज के फूड चॉइसेस में सोशल मीडिया की भी खूब दखल है।